सबसे पहले आते हैं 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रथम अवस्था में गर्भणी का निदान किसके द्वारा करना चाहिए? अनार्तव का इतिहास, श्रोणि परीक्षण, गर्भावस्था निदानार्थ, मूत्र परीक्षण, उपरोक्त सभी। अब देखो हिंदी में बड़ा कितना जटिल लग रहा है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। डायग्नोसिस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी शुड बी डन, यानी कोई महिला गर्भवती है अथवा नहीं है यह पता किससे लगाया जाता है? हिस्ट्री ऑफ आमेन्योरिया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले जो लेडी डॉक्टर होती है यही पूछते हैं कि लास्ट महीना कब आया था। महीने को आया, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, 7 दिन, 1 महीने 7 दिन से ज्यादा हो चुका है, तो चांसेस है कि शायद उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। दूसरा है पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया हो तो पेल्विक एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है। और जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है ना, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हार्मोनल एक हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजेनोग्राफिक जो है हार्मोन कहते हैं उसको, तो वो यूरिन में आने लगता है, तो यूरिन से कंफर्म हो जाता है ना। तो ये सभी आंसर है, और मैंने आपको समझाया भी था अभी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑल एंड नन का, तो उसमें पूरे चांसेस होते हैं ऑल या नन होने के, है ना। तो 51 का आंसर जो है वो डी है, ये सारी चीजें सही हैं। फिर आते हैं 52 में, जिसमें बोला गया है एड्स का फैलाव किसके द्वारा होता है? हाउ द डिसीज ऑफ एड्स इज ट्रांसमिटेड, मैथुन के द्वारा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, दूसरी सुई के संपर्क में आने से, कंटामिनेटेड नीडल्स, दूषित पानी से, कंटामिनेटेड वाटर, की ए और बी दोनों। तो हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है एड्स जो है एसटीडी में आती है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्स के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो ये सबको मालूम है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को एड्स है, अगर उसका खून हम जो है उसको लगाई हुई सुई जो है वो किसी और को लग जाती है, तो उससे भी वो उसका ट्रांसफर हो सकता है। तो इसके यहाँ पर ये और ये दोनों सही है, तो ए और बी आंसर सही होगा, है ना। 52 का आंसर जो है ए और बी सही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और कंटामिनेटेड नीडल्स, दोनों से एड्स फैलेगा। फिर आते हैं 53। 53 में आना है हिम कल्पना द्रव्य और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए। तो आपको तुरंत सोचना है कि कौन से सब्जेक्ट का है, भेषज का है, और अपने पढ़ रखा है, और ये इनको मैं फंडे के क्वेश्चन बोलता हूँ, फंडे के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। अपन ने याद किया था हिम कल्पना, हिम जो है हिम से हिम, हिम से हेमंत, हेमंत छठवीं ऋतु होती है, कौन सी ऋतु होती है? छठवीं ऋतु होती है। ये फंडे के क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम हॉल में भी आपको 100% मालूम रहेगा कि आप सही लगा रहे हो, जिसमें 1:6 का रेशो होता है, तो 53 का आंसर जो है बी है, 1:6 हिम हिम हेमंत छठवीं ऋतु है, 1:6 का रेशो होता है। नंबर और आधारणी वेगों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? आधारणी वेग अपन ने पढ़े थे स्वस्थ व्रत, जो स्वस्थ वाला जो पोर्शन था उसमें, और वो चरक ने बताया उनकी संख्या कितनी है, 13। आधारणी वेगों की संख्या कितनी होती है? 13। फिर आते हैं स्वस्थ व्रत डील, यानी स्वस्थ व्रत में अपन किस क्या डील करते हैं? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक आध्यात्मिक, की शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक। तो एक अपन ने स्वस्थ व्रत के अंतर्गत जो है, या शारीरिक आध्यात्मिक केवल, तो एक अपन ने स्वस्थ की परिभाषा पढ़ी थी WHO के अनुसार। WHO वाली परिभाषा में था कि फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से जो है व्यक्ति स्वस्थ हो और उनके जीवन में किसी विकार जो है बेकार ना हो, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आंसर सी है, शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसके बाद में आते हैं अपन 56 में, 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंतर्भाव जो है त्रिउपस्थम में किया जाता है? तो त्रिउपस्थम अपन ने जो है जो स्वस्थ पर जो स्वास्थ्य वाला जो पोर्शन था उसके अंदर पढ़ा था। त्रिउपस्थम क्या होते थे? त्रिउपस्थम अपन ने पढ़े थे, क्यों कौन कौन से होते थे? आहार आना आता था उसमें, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जो है ये जो है त्रिस्तंभ कहलाते हैं, उपस्थम कहलाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन त्रिउपस्थम, दिनचर्या, निद्रा, रसायन, औषधि। तो यहाँ पर आंसर क्या है? निद्रा, हाँ, निद्रा, ब्रह्मचर्य, त्रिउपस्थम होते हैं। क्या? त्रि, इसको अलग करता हूं मैं, त्रिउपस्थम होते हैं, उपस्थम। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है त्रिस्तंभ क्या होते हैं, त्रिस्तंभ है ना, उपस्थम ना होके त्रिस्तंभ पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ कहते हैं, त्रिउपस्थम अलग होते हैं और त्रिस्तंभ अलग होते, त्रिस्तंभ जो है वात पित्त कफ। फिर आओ
आयुर्वेद अनुसार 60 पदार्थों में निम्नलिखित में से किसका अंतर्भाव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन 60 पदार्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो 60 पदार्थ जो है वो जैसा नाम है 60, 6 चीजें होती हैं, जो 6 चीजों में आता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाह। द्रव्य आता है, गुण आता है, कर्म आता है, सामान्य आता है, विशेष आता है और संवाह आता है। द्रव गुण कर्म सामान विशेष संवाह। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुण, गुण इसमें आता है 60 पदार्थ में। फिर आओ, एकत्व होना और अणु होना, ये किसके गुण होते हैं? काल के, है ना, आत्मा के, दिशा के, मन के। ठीक है, अगर आप वैसे आपने पढ़ा हो तो सबको मालूम है। और इसमें अणु लिखा, अणु का मतलब छोटा होता है, तो ना तो काल छोटा होता है ना दिशा छोटी होती है। मन और आत्मा में जाए तो आपको सभी को मालूम है मन ही छोटा होता है। तो एकत्व और होना और अणु होना, एक होना और अणु होना, ये किसका लक्षण होता है? मन का होता है। फिर आओ, आयुर्वेदुक्त 60 रसों में किसका अंतर्भाव नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन सस्त सस्तास बाई आयुर्वेदा। कौन सा आयुर्वेदा में इंक्लूड नहीं होता है? ठीक है, तो मधुर अम्ल लवण कटु तित्त कषाय, ये हमारे रस होते हैं, तो इसमें 60 रस में जो है उष्ण जो है वो नहीं आता है ना। उष्ण तो वीर होता है, उष्ण रस में नहीं आता। फिर आओ, 60 क्वेश्चन में विष चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद का अंग क्या कहलाता है? तो ये तो अपना पहला जो वीडियो था जिसमें अष्टांग के आयुर्वेद के 8 अंग पढ़े थे अपन ने, उसमें ये पढ़ा था आयुर्वेद के 8 अंग जब हमने पढ़े थे कि जो विष चिकित्सा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अगतंत के नाम से जानते हैं। 60 का आंसर भी है अगतंत। फिर आओ, हाउ मेनी ज्ञानेन्द्रीज, मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेन्द्रियां होती हैं? ह्यूमन बॉडी में कितनी ज्ञानेन्द्रियां होती हैं? तो ज्ञानेन्द्रियों की संख्या जो है, केवल यहाँ ज्ञानेन्द्रिय पूछेंगे, कर्मेंद्रिय नहीं पूछी, तो ज्ञानेन्द्रियों की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिससे अपन जिसमें आते हैं, और जो कर्मेंद्रिय होती हैं वो भी 5 ही होती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं जिसमें अपने हाथ पैर पाठ पायु गुदा सुपस्थ ये सब आते हैं, और एक मन होता है जिसको उभय इंद्रिय कहते हैं। टोटल कुल जो है, कुल इंद्रियों की संख्या पूछे आपसे, कुल इंद्रिय कितनी होती है? तो आंसर 11। तो यहाँ कुल नहीं पूछा, केवल ज्ञानेन्द्रिय पूछा है, तो ज्ञानेन्द्रियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है आपकी। ये 5 जो है क्या होती है? ज्ञानेन्द्रियां होती है, 5 ज्ञानेन्द्रियां होती है। जो कर्मेंद्रिय 5 होती है उसमें हाथ आता है, हस्त आता है, पाद आता है यानी पैर आता है, वाक यानी कि आपकी वाणी आती है, और पायु पायु आता है, पायु का मतलब गुदा होता है, पायु का मतलब गुदा होता है क्योंकि वो मल निकालती है, और उपस्थ आता है, उपस्थ का मतलब आपका जननेन्द्रिय होती है, मूत्र इंद्रिय होती है। तो ये आपकी 5 कर्मेंद्रिय होती है, हाथ पैर वाक यानी वाणी और पायु और उपस्थ। ठीक है, और ये मन जो है उभय इंद्रिय होता है, टोटल मिला के 11 इंद्रियां आपके शरीर में होती है। फिर आओ, इन द पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन लीड टू डेथ आफ्टर ट्रॉमा इज कॉल्ड एज, शरीर के जिस भाग में आघात होने से मृत्यु होने की संभावना रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आयुर्वेद में ऐसे पार्ट में जिनमें निश्चित मृत्यु होने की संभावना रहती है उनको मर्म कहते हैं। क्या कहते हैं आयुर्वेद में? मर्म कहते हैं, जहां पर चोट लगने पर मृत्यु होने की संभावना रहती है वो क्या कहलाते हैं? मर्म कहलाते हैं। फिर आओ, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ना? तो मेन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? टू डिक्रीज द इंक्रीजिंग बर्थ रेट, और टू डिक्रीज द डेथ रेट, ठीक है, और टू डिक्रीज ऑफ बर्थ रेट, और टू इंक्रीज द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट तो इंक्रीज है ना, होना नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखो, बढ़ती हुई जन्म दर को कम करना वो सबसे पहले है, और मृत्यु दर में यहाँ स्पेसिक लिखा होता तो वही सही आंसर हो जाता, मात मृत्यु दर और जन्म, मात मृत्यु दर जो है। तो यहाँ पर आंसर एक चुनना है, वैसे ये दो दोनों आंसर सही है, पहले और दूसरा, लेकिन एक चुनना है तो पहला ठीक। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, निम्नलिखित में कौन सा गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका है?
स्थायी तरह का अंतः गर्भाशय यंत्र, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस जिसको अपन कॉपर टी के नाम से जानते हैं, ये तो कॉपर टी होती है, कॉपर टी तो स्थायी नहीं होती है। पोस्ट कंसेप्शन मेथड्स, मेल वैसेक्टोमी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो मेल वैसेक्टोमी यानी कि जो पुरुष नसबंदी है वो स्थायी तरीका है, पुरुष नसबंदी जो होती है वो स्थायी तरीका होती है, पुरुष नसबंदी जो है वो गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका है। फिर और सेकेंड डोज ऑफ टीटी, गर्भवती महिला में टीटी का दूसरा टीका संभावित प्रसव काल के कितने काल पूर्व लगाना चाहिए? ठीक है, तो 2 बार टीटी का इंजेक्शन लगता है। टीटी का इंजेक्शन वैसे 6 साल की आपको इम्यूनिटी देता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो पिछले 3 साल में नहीं लगाया है तो टीटी का इंजेक्शन लगता है। तो 2 सप्ताह तक है, 2 सप्ताह इसमें ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर अपन जो है 2 महीने भले 1 महीने पूरे, 3 महीने पूरे, इनमें से नन आंसर निकलेगा क्योंकि आंसर जो है वो 2 वीक्स बिफोर है। मैंने आपको बोला भी था कि 2 वीक्स बिफोर रहते हैं, कि जो नन या वो होगा उसमें जाना चांसेस होते हैं सही होने के। तो प्रेगनेंसी के दो मतलब डिलीवरी जो होने वाली है उससे 2 सप्ताह तक पहले तक टीटी का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। फिर आप प्रक्षेप इज सिंड्रोम ऑफ बीच कसाई कल्पना, प्रक्षेप किस कसाई कल्पना का पर्याय है? तो प्रक्षेप आवाप ये जो है अपन ने भैसज में पढ़े थे, किसके होते थे? कल्क। यहाँ आंसर भी जो है कल्क है। फिर आप व्हाट इज द सेल्फ लाइफ पीरियड ऑफ चूर्ण, चूर्ण की संविदा अवधि कितनी होती है? तो चूर्ण की संविदा अवधि जो है 2 महीने होती है, आर्वित के अनुसार अपन ने पढ़ा था कितनी होती थी, 2 महीने, 2 मंथ, चूर्ण का कहना है 2 मंथ। फिर और दीपन पाचन स्वेदन आदा एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ बीर, दीपन पाचन स्वेदन कौन करता है? तो दीपन पाचन अग्नि को बढ़ाने को दीपन पाचन कहते हैं। तो अग्नि को कौन बढ़ा सकता है? जो वो है उष्ण हो, दो ही बीर होते थे शीत और उष्ण, तो उष्ण बीर का रहता है दीपन पाचन और स्वेदन। फिर आते हैं कौन से विपाक द्वारा वात दोष की वृद्धि होती है? विच टाइप ऑफ विपाक इंक्रीज द वात दोष? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब विपाक होता है तो मधुर अवस्था पाक में, मधुर अवस्था पाक में किसकी उत्पत्ति होती थी? कफ की उत्पत्ति होती थी, है ना। अम्ल में जो है किसकी उत्पत्ति होती थी? पित्त की उत्पत्ति होती थी। कटु अवस्था पाक में जो है किसकी उत्पत्ति होती थी? वात की उत्पत्ति होती थी। तो यह आंसर कटु रहेगा, है ना। यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा, क्वेश्चन का आंसर जो है कटु रहेगा, सी आंसर जो है सही है। यहाँ ऑल आंसर नहीं है, तो हर क्वेश्चन में ऑल आंसर सही नहीं हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में ऑल आंसर सही नहीं होगा, है ना। फिर आते हैं 70वां क्वेश्चन है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्य प्रातः काल उठने से पूर्व तक स्वस्थ निमित्त जो कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो द रूटीन ऑफ मेंटेन ऑफ हेल्थ टू बी फॉलोड फ्रॉम सनसेट टू अवेकनिंग, है ना। सूर्यास्त से लेके प्रातः काल उठने से पूर्व तक जो है श्वास निमित्त के लिए जो काम किए जाते हैं वो काय में चला जाएगा, दिनचर्या में तो आएगा नहीं, क्योंकि आप तो बात कर रहे हो सूर्यास्त के बाद की, सूर्यास्त के वाला काय में चला जाएगा, रात्रिचर्या में चला जाएगा, है ना, काय में चला जाएगा रात्रिचर्या। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो है वो दिनचर्या में आते हैं, सूर्यास्त से लेके जो है सोने प्रातः काल उठने तक जो है वो रात्रिचर्या में आएगा, क्योंकि कितना सोना है ये भी अपन ने पढ़ा था, दोपहर तक या 3 पहर तक अपन को नींद लेना है। सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेट जिसे कहते हैं वो कौन से नेशनल प्रोग्राम से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वे एजुकेशन और ट्रीटमेंट यह पद्धति अपनाई जाती है? तो सर्वे करना, फिर एजुकेशन देना और ट्रीटमेंट जो है वो 6 टीबी, ठीक है, टीबी मलेरिया कुष्ठ, इसका आंसर जो है लेप्रोसी में जाता है कुष्ठ। एजुकेशन इसलिए देनी होती क्योंकि इसको छुआछूत का रोग समझते हैं, है ना, तो इसलिए छुआछूत का रोग समझते हैं, इसलिए एजुकेशन इसमें बड़ा ये होता है। तो ये नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम से संबंधित है सेट एजुकेशन, क्योंकि पुरानी पीढ़ी ऐसा मानती है कि, है ना, एक किसी के खानदान में अगर कुष्ठ है तो वो दूसरे को भी हो जाएगा, अगले जन्म में वो उसी को लेके मार के पैदा होगा। फिर और डॉट्स का क्या मतलब होता है? तो डॉट्स जो है वो जो टीबी की गोलियां खिलाई जाती है उसी का होता है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, है ना। तो यहाँ आंसर सी है,
6 महीने तक दवाइयां देनी होती है, क्योंकि वो जो आपका टीबी का बैक्टीरिया होता है वो बहुत मजबूत कवरिंग बनाता है लंग्स में जाके, तो उसको तोड़ने के लिए आपको 6 महीने तक दवाइयां देनी होती हैं। और अगर चूक जाते हैं तो फिर से अपन को डोज पूरा करना होता है, अपनी आंखों के सामने दवाई दो ताकि मरीज चूके नहीं किसी दिन, इसीलिए उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेस का अर्थ है। तेरा मध्यान्ह भोजन का क्या उद्देश्य है ना, प्राथमिक स्कूल स्तर के बच्चों को पोषण प्राप्त होना वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट इन स्कूल, और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, तो ये इसका रीजन जो है ऑल ही ज्यादा आंसर अपन को बोला कि सही होते हैं, ऑल आंसर है, क्योंकि ना केवल हमको बच्चों को खाना मिलता है वो तो ठीक है, अटेंडेंस बढ़ती है उनकी, ये बात भी बिल्कुल सही है, और जो है मजदूरी करते हैं कई के बच्चे बोले क्या खिलाएंगे, तो वो खाना भी वहां मिल जाता है, तो स्कूल ही भेज दो, स्कूल में खाना तो मिल ही जाएगा। फिर आओ ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया रोग का प्रसार किसके द्वारा होता है, एनाफिलीज मस्किटो, एनाफिलीज से तो आपका मलेरिया फैलता है, एडीज एजेप्टी मस्किटो, एडीज एजेप्टी बिल्कुल सही है, तो एडीज जो एजेप्टी मच्छर है उसके कारण फैलता है, जो क्यूलेक्स होता है उससे फाइलेरिया फैलता है, कौन सा फैलता है फाइलेरिया, एनाफिलीज से कौन सा फैलता है मलेरिया, और एडीज से कौन सा फैलता है तो डेंगू और चिकनगुनिया, इनका मच्छर एक जैसे ही होता है, डेंगू और चिकनगुनिया ये फैलते हैं एडीज, ये मैंने बोला था इसमें एडीज में ऐड आता है, तो टीवी पे आप ऐड करते हैं डेंगू से बड़ो बचो, चिकनगुनिया से बचो, एडीज होता है ऐड करते हैं ना ऐड, और यहाँ पर फाइल की क्यू लगती है, जैसे अपन बैंक में जाते हैं ना बोलते क्यू में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, तो फाइलों की क्यू लगती, क्यू जो फाइल होती है उनकी क्यू लगती है, लाइन लगती है कि भैया लाइन में लग जाओ, ठीक है। तेरा स्थावर और जंगम विश्व के अधिष्ठान कितने होते हैं, हाउ मेनी आर द अधिष्ठान ऑफ स्थावर एंड जंगम विश्व रिस्पेक्टिवली, तो स्थावर जंगम विश्व के अधिष्ठान अगर तंत्र में पढ़ते हैं अपन सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं, और स्थावर के अधिष्ठान जो है वो 10 होते हैं, स्थावर का मतलब होता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे के 10 ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें विष होता है, उसके किसी के मूल में होता है, किसी के पत्ते में, किसी के फल में, किसी के कंद में, किसी के निर्यास में, क्षीर में, ऐसे करके 10 जगह चीजें होती हैं जिनमें विष होता है, तो स्थावर के 10 होते हैं, और जांगम जो होता है, जांगम जो जानवर जानवर होते हैं उनके 16 चीजें होती हैं उनमें विष होता है, किसी के आर्तों में, किसी के काटने में, है ना, किसी के हड्डी में, ऐसे करके 16 जगह जो है विष होता है, स्थावर 10 और जांगम 16, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा 10 और 16। फिर हाउ बाट शुड बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रेजिमेन ऑफ स्नेक बाइट, किसी ने किसी को सांप ने काट खाया है तो उसकी पहली चिकित्सा क्या होती है, छेदन करना है ना, आचूषण करना, दाह है ना, तो अगर सांप ने अगर आपको काट खाया है तो आपको सबसे पहले वहां पर क्योंकि विष फैलता है, विष को क्या मानना पड़ता है, अपन विष एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल पाए उससे रोकने के लिए सबसे पहले वहां पर अरिष्टा बंधन करते हैं, रस्सी या कपड़े से वहां पर बांध देते हैं ताकि आगे ना फैले, तो पहला यहाँ पे अरिष्टा बंधन, उसके बाद में दूसरी चीजें आती हैं, फिर ये आचूषण आता है और रक्तमोक्षण आता है, छेदन आता है, ये बाद में आता है, पहले मंत्र है, मंत्र के बाद में अरिष्टा बंधन है ना, आयुर्वेद में जो है विष चिकित्सा के उपक्रम बताए गए हैं, यानी चिकित्सा विष उपक्रम, विष चिकित्सा के जो उपक्रम बताए गए हैं उसमें जो है पहला आता है मंत्र मंत्रोपचार, कई लोग झाड़ते हैं है ना, आपको मालूम है मंत्रोपचार के बाद में पहला मंत्रोपचार आता है, दूसरा जो है ये अरिष्टा बंधन होता है, अरिष्टा बंधन का मतलब होता है वो कपड़े से बांध देना ताकि ब्लड जो है वो सर्कुलेशन घट जाए, है ना, कपड़े से बांधने को कहते हैं, कस के बांध देते हैं, कपड़े से कस कर बांधना ताकि ब्लड सर्कुलेशन आगे ना रुक जाए वहां पे, आगे ना फैले वो, आंसर अरिष्टा बंधन है। फिर बीच ऑफ द जनरल रसायन ऑफ जो है एयर डिसीज, कर्ण रोगों की सामान्य चिकित्सा क्या है, तो ये सुश्रुत संहिता का श्लोक है, सामान्य सामान्य सामान्यम तु कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम, घृतपान रसायन का काम करता है, ठीक है, वैसे है ना कर्ण रोगों में वात का आश्रय होता है, वात के लिए जो है लैक ऑफ एनर्जी के कारण ज्यादातर कान में आवाजें आती हैं, तो घृतपान उसका है, 77 का आंसर सी है घृतपान। फिर आओ लिंगनास इज अ टाइप ऑफ विच डिसीज, लिंगनास किस
टाइप की डिसीज है। तो लिंगनाश जो है वो एक प्रकार से आपका मोतियाबिंद जो होता है उसको आयुर्वेद में कहते हैं लिंगनाश, मोतियाबिंद जो होता है तो नेत्र रोगों में काउंट में आता है। डिसीज हो आईज, लिंगनाश जो है एक प्रकार का मोतियाबिंद है। हाउ मेनी टाइप ऑफ पितिस्या अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अनुसार पितिस्या के कितने भेद होते हैं? तो सुश्रुत में पितिस्या के भेद जो है वो 5 बताए गए हैं। वाता जो होता है, पित्ता जो होता है, कफा जो होता है, रक्तस होता है और सन्निपातस जो होता है। वाता, पित्तस, कफा, रक्तस, सन्निपातस, 5 प्रकार पितिस्या के सुश्रुत में बताए गए। फिर आते हैं विच रेजिमेन इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कर्णकांडू, कर्णकांडू की चिकित्सा में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ये आयुर्वेद के फंडे जो आपको मालूम होने चाहिए कि जो वात होता है, बिना वात के शरीर में रोजा यानी कि पेन, बॉडी में दर्द नहीं होता बिना वात के, बिना पित्त के जो है शरीर में पाक, पकता नहीं है घाव, और बिना कफ के हमारे शरीर में कंडू यानी खुजली नहीं होती है। कंडू बिना कफ के नहीं होती हमारे शरीर में, तो यहाँ कफ नाशक उपक्रम होगा। कौन सा? कफ नाशक। ठीक है, तो पूछ लेंगे जैसे आपसे अगर पूछते हैं कर्णशूल, शूल यानी दर्द होता है, तो कर्णशूल में चिकित्सा वात की होती है। अगर आपसे पूछे कर्णपात में किसकी चिकित्सा करते हैं, तो आंसर पित्त हो जाता है। कर्णपात में पित्त होता है, कर्णशूल में वात होता है, और कर्णकंडू में कफ, कान में खुजली है तो कफनाशक चिकित्सा होगी। यार स्प्रिंग ऑफ डीडीटी सॉल्यूशन इज डन फॉर द कंट्रोल ऑफ बीसीडीसी, तो डीडीटी का छिड़काव जो है वो मलेरिया रोकने के लिए होता है। सरफेस में जो मच्छर पैदा नहीं होते हैं उसके लिए होता है डीडीटी, जो है मलेरिया रोकने के लिए छिड़का जाता है। फिर आशा फीमेल वर्कर इज अपॉइंटेड अंडर द नेशनल प्रोग्राम, आशा जो महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है आशाओं की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि तो उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी होती है ना, ग्रामीण है क्योंकि ये जो इनकी नियुक्तियां कहाँ होती है? उप स्वास्थ्य केंद्र। और उप स्वास्थ्य कहाँ होते हैं? सेंट केंद्र कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं, सब हेल्थ सेंटर जिनको कहते हैं, सब हेल्थ सेंटर जिनको कहते हैं, तो वो वहां पे नियुक्ति होती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान के द्वारा। फिर इफ एनी पर्सन इज बर्निंग इन फायर, आग से जल रहा है तो क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो तो क्या करना चाहिए? आग बुझाने के लिए उस पर कंबल लपेटना चाहिए। देखो एक मैंने वो आपको एक उदाहरण दिया था, जलते रहने के लिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती पे अपन जब गिलास रख देते हैं तो मोमबत्ती क्या हो जाती है? बुझ जाती है। एक गिलास रख देते हैं मोमबत्ती में तो मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जलते रहने के लिए क्या की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो आप जब कंबल से लपेट दोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाती है, तो ब्लैंकेट यानी कंबल से लपेटना चाहिए, बिल्कुल सही है। खुली हवा में भागने से तो आग और फैलेगी, कभी भी रन नहीं, दौड़ना नहीं चाहिए, आग जल नेवर रन, दौड़ना मना होता है ना, दौड़ना नहीं चाहिए कभी भी आग लगने पर। यह आंसर निकलेगा ए, आग बुझाने के लिए उस पर कंबल लपेटना चाहिए। फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ हीमोरेज, रक्तस्राव रोकने का प्राथमिक उपचार है। टेक पेशेंट टू डॉक्टर, ये तो फर्स्ट एड नहीं कहलाएगा, फर्स्ट एड तो अपन खुद ही करना पड़ता है। गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अप्लाई प्रेशर बैंडेज ऑन ब्लीडिंग पॉइंट, ये सभी ने किया हुआ है प्रैक्टिकली। जब किसी का सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं अपन, तो उसको रुई से बोलते हैं इसको दबा के रखो, प्रेशर से जो है वहां पर ब्लीडिंग बंद हो। 84 का आंसर चाहिए। फिर आते हैं हाउ मेनी सुश्रुत के अनुसार कितने बंद विशेष बताए गए हैं, है ना, बंद यानी बैंडेजिंग जो होती है वो कितनी बनाई गई, पट्टी बांधने के तरीके कितने होते हैं? तो सुश्रुत में 14 बताए गए। ठीक है, सुश्रुत नाम के आचार्य ने कितने बताए हैं? 15 किसने बताए? भागवत, भागवत 15 बताते हैं, और चरक नाम के आचार्य जो है वो 2 बताते हैं। 2 प्रकार के बंद होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसका आंसर 14 है। फिर आओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रियाकल्प इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ नेत्र रोग, नेत्र रोगों में कौन सा क्रियाकल्प उपयुक्त होता है? तर्पण, पुटपा, काशोधन, तो ये सभी क्रियाकल्प में आते हैं, ये आंसर ऑल है। तर्पण भी पढ़ा था अपन ने, पुटपा भी पढ़ा था, अच्छोदन, अंजन, पिंडी, बिडालक, ये सब आते हैं। फिर आप त्वक शोष का लक्षण किसका होता है? त्वक शोष रस क्षय का, रक्त क्षय का, स्वेद क्षय का, मेद क्षय का, तो त्वक शोष जो है वो स्वेद क्षय में आता है। पसीना नहीं निकलता है तो अपनी जो त्वचा होती है उसके रोमकूप जो है ढकने लगते हैं, है ना, तो त्वक शोष जो है स्वेद क्षय, पसीना आना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वेद क्षय इसका आंसर है।
फिर आप बात वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? बात वृद्धि में अति अति निद्रता होती है। अति निद्रता जो है वो अति निद्रता का कारण क्या होता है? कफ की वृद्धि होता है। कफ जब बढ़ता है हमारे शरीर में, कफ की वृद्धि होती है, तो हमको अति निद्रा आती है। बाद में निद्रा नाश होता है। अवसाद यानी डिप्रेशन, ये भी कफ वृद्धि में ही होता है। कफ बढ़ता है तो डिप्रेशन आता है। बल की हानि कह में होती है, और गाढ़ वर्ष बल की हानि जो है वो पित्त के क्षय में होती है। अग्नि कम होती है तो पित्त में होता है ना। और गाढ़ वर्चस जो है मल का जो है गाढ़ा आना, वो वात की वृद्धि का लक्षण है। वायु बढ़ी हुई रहती तो आपको मल जो है वो गाढ़ा आता है, कट्ठा आता है ना। तो यह आंसर जो है वो गाढ़ वर्च वात वृद्धि का है। फिर और ड्यू टू द विच दोष निद्रा इज प्रोड्यूस, निद्रा किस दोष के कारण उत्पन्न होती है? तो निद्रा के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? कफ और तमोगुण। तो यह आंसर जो है कफ और तमोगुण है। ठीक है, तीन दोष आपने पढ़े थे, सत्व रज और तम। क्या पढ़े थे? सत्व पढ़ा था, रज पढ़ा था और तम पढ़ा था। सत्व जो है वो जागरण का कारण होता है, व्यक्ति जागता रहता है, सत्व गुणाधिक होता है। रज जो है वो स्वप्न का कारण होता है, नींद में तम, और तम से जो है निद्रा आती है, और वह कफ दोष से भी आती है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑप्शन भी नहीं हो, और एक ऑप्शन हो स्वभाव, तो स्वभाव भी सही आंसर है। स्वभाव भी एक बड़ा कारण है निद्रा आने का, नेचुरल प्रोसेस है। फिर और वाक प्रकृति, यह कार्य वाक दोष के निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वाक प्रकृति यानी बोलना जो है वो उदान वायु के कारण होता है। तो 90 का आंसर जो है बी है, उदान वायु। फिर हाउ मेनी अर्थ ऑफ मन, मन के कितने जो है विषय होते हैं? तो मन के विषय जो है चिंता विचार उन देह संकल्प में होता है। मन का विषय होते हैं चिंतन विचार ध्येय संकल्प। है ना, ये तो मन के कर्म होते हैं, ये और विषय, दो चीजें पढ़ते हैं। मन के विषय पढ़ते हैं, मन के कर्म पढ़ते हैं। चिंतन विचार उदय संकल्प जो है ये विषय होते हैं मन के, कितने होते हैं? पांच। ठीक है, और पांच आंसर सही है। दो क्या होते हैं? गुण होते हैं मन के गुण दो होते हैं। एक क्वेश्चन अपन ऊपर भी पढ़ा था, एकत्व होना एक होता है मन, और अणु होना यानी छोटा होता है। एकत्व अणु तुझे, और मन के कर्म जो है वो चार होते हैं, है ना। मन के कर्म चार होते हैं, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रिया भी निग्रह यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना, श्वास निग्रह अपने आप को कंट्रोल करना। जैसे अभी आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि मोबाइल नहीं देखना, पढ़ाई का काम है केवल, मतलब फालतू के वो इंस्टाग्राम फेसबुक की बात कर रहा हूँ। श्वास निग्रह अपना खुद का कंट्रोल करना, और ये जो है उहू और विचार, ये जो है मन के कर्म भी होते हैं। मन के कर्म जो है वो चार होते हैं, मन के विषय जो है वो पांच होते हैं, और मन के गुण जो है वो, ये अलग अलग आपको समझना है। मन के विषय जो है वो पांच होते हैं, मन के गुण जो है वो दो होते हैं, मन के कर्म जो है वो चार होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या पूछा अपन से? विषय पूछा तो आंसर पांच रहेगा, विषय पूछा तो आंसर पांच रहेगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंड्रोम ऑफ आत्मा, आत्मा का पर्याय नहीं है। ठीक है, आत्मा का पर्याय चेतक होता है, गा आता है, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान जिसे होता है, तो आत्मा का है। विभु भी होती है आत्मा, शाश्वत भी होती है, चेतस नहीं होता है ना, चेतना होता है, चेतस नहीं होता, चेतस सही शब्द नहीं, हृदय चेतस जो है वो, चेतस जो है मन का पर्याय हो जाता है, आत्मा का नहीं होता है चेतस। चित्त चेतस जो है वो मन के पर्याय में आ जाते हैं। बहुत सारे पर्याय मिलते जुलते हैं वायु और आत्मा के, है ना। तो यहाँ पर चेतस नहीं होता है, चेतस जो है वो मन का होता पर्याय, इसलिए चेतस नहीं।
आप स्टम्प किसका फंक्शन है, तो पुरीज जो है उसको आप स्तंभ बोला गया है, वायुगुनी का धारण करता है और आप स्तंभ होता है, पुरीष आप स्तंभ है। गर्भ उत्पादन किस धातु का मुख्य कर्म है, रस धातु का, रक्त धातु का, जो है मज्जा की, शुक्र, शुक्र का काम होता है गर्भ का उत्पादन करना। रिकेट्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिकेट्स, रिकेट्स जो है किस व्याधि का है, तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो डिफिशियंसी हो विटामिन डी, हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चा चल नहीं पाता 1 साल होने के बाद भी। शब्द आस है सूर का, है ना, जिसको अपन ने पढ़ा था, ऊंची आवाज में बात बर्दाश्त नहीं होना, वो किसका लक्षण होता है, रस क्षय का होता है। यदि धातु क्षय वृद्धि का पूछ रहे हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उसमें, है ना, क्षय वृद्धि के लक्षणों का। स्वस्थ आतुर के लिए किस सूत्र के ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो त्रिसूत्र जो होते हैं, हेतुलिंग मौसक त्रिसूत्र कहते हैं, तो दोनों के लिए ब्रह्मा ने बताया हुआ है, स्वस्थ आतुर पारायण त्रिसूत्र कहते हैं इनको, हेतु लिंग औसत को क्या बोलते हैं, त्रिसूत्र। फिर आप शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से नासा का प्राकृतिक आकार क्या होता है, सर्कुलर होती है यानी गोल होती है, ओवल यानी लंब गोल होती है, कि पिरामिड होती है, जो पिरामिड से होती है, त्रिकोणी होती है, अपन सबके नाम तीन त्रिकोणी होती है। 98 का आंसर जो है सी है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉलोइंग एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित मैथुन कर्म के पश्चात गर्भ अवस्था के प्रतिबंध हेतु आपातकालीन सतही प्रतिबंधक गोलियों का उपयोग कितने घंटों में प्रभावशील होता है, तो 72 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, और मार्केट में इसकी पिल्स 72 करके जो है टेबलेट आती है, टेबलेट पिल्स 72 आती है, तो ये पोस्ट पाइटल होता है, जैसे आप असुरक्षित सेक्स हो गया किसी के साथ और आपको लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो ओवुलेशन का पीरियड चल रहा था, तो पिल 70 करके टेबलेट आती है जो आप दे सकते हो, जिसमें 72 घंटे के अंदर देनी होती है, इंटरकोर्स यानी सेक्स के जो है 72 घंटे के अंदर पिल 72 करके टेबलेट आती है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाई द वैक्सीनेशन, निम्नलिखित में कौन सी व्याधि जो है वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक नहीं हो सकती है, वूपिंग कफ पर्टुसिस को कहते हैं, तो वो डीपीटी में आता है ना, पोलियो के लिए लगता है साल्क और सेवन करके दो आता है, साल्क इंजेक्शन लगता है, पोलियो की वैक्सीन होती है, मारसमस जो रोग है वो सूखा रोग जिसे कहते हैं, वो तो जो है न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला रोग, तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं होती, वैक्सीन होती तो कुपोषण ही नहीं होता अपने भारत में, ठीक है, बाल सोस इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आयुर्वेदा क्वेश्चन के जो मैंने सॉल्व करा दिए, और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें पेपर सॉल्व कराते समय किन चीजों का ध्यान रखना है वो जो है आपको बता दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।